परम आदरणीय हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष और मेरे साथी आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे क्षेत्र के प्रभारी आलोक शर्मा जी, ब्रिजेश लुनावत जी, मुंगावली क्षेत्र के हमारे अध्यक्ष, नौजवान अध्यक्ष अशोकनगर जिले के उमेश रघुवंशी जी और मेरे साथी जिसने सदैव जनसेवा का पथ अपनाया है, कोमल स्वभाव के, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ब्रिजेंद्र यादव जी और सबसे महत्वपूर्ण मेरा भोपाल में बैठा हुआ कार्यकर्ता भाई, मेरे मुंगावली में बैठे हुए कार्यकर्ता भाई एवं बहनगण और बुजुर्गण, ये पहली वर्चुअल रैली है जिसका अनुभव मैं भी कर रहा हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं मेरे अध्यक्ष जी को, जो विष्णुदत्त जी में केवल ऊर्जा का संचार हम लोग सब कुछ नहीं देखते, लेकिन उनकी जो कार्यशैली है, एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ वे सदैव कार्य करते हैं। ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि ऐसे ऊर्जावान अध्यक्ष के साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं, मेरे सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, कि राजनीति में बहुत कम लोग मिलते हैं जिनका दिमाग भी साफ होता है और दिल भी साफ होता है। और इस कम समय में, पिछले 3-4 महीनों में जो मुझे अनुभव हुआ है, विष्णुदत्त जी के दिल में जो बात होती है, दिमाग में वो जो बात होती है, वो स्पष्ट रूप से उसका उल्लेख वे करते हैं। बहुत नेता हम लोगों ने देखे हैं जो छल कपट करते हैं, और खास करके जिनका जिक्र विष्णुदत्त जी ने मेरे पूर्व पार्टी के नेताओं की बात की है, जिनका अनुभव मुझे रहा है पिछले 20 सालों में। पर जो सादगी मुझे विष्णुदत्त जी में दिख रही है, आप लोग तो केवल इनकी तीव्रता देखते हो, आप लोग तो केवल इनकी क्षमता देखते हो, पर जितने बाहर से ये वो तीव्रता दिखती है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उतना ही नरम अंदर दिल से है। और ये समन्वय इंसानों में मिलना बड़ा मुश्किल होता है। आज हमारे आदरणीय नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है, मैं उनको नमन करता हूं। पर केवल नमन करना काफी नहीं है, हम सब लोग जो हम लोगों के महान नेता हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के समय से, दीनदयाल उपाध्याय जी के समय से, मेरी दादी पूर्व राजमाता साहब के समय से, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से, हमें ये ध्यान रखना होगा कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या था, उनका उद्देश्य क्या था। और सच्ची श्रद्धांजलि हमारी तभी होगी जब उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास हम लोग सब करेंगे। और अगर उनकी जयंती पर आज उन्हें हमें याद करना है, तो उस संकल्प को लेकर हमें आगे बढ़ना होगा। आज मेरे कार्यकर्ताओं की रैली है, बहुत सारे मुद्दे विष्णुदत्त जी ने अपने संबोधन में बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हमारे समक्ष रखे हैं। मैं तो केवल चुनाव की बात करने वाला हूं, और 5-6 मुद्दों पर मैं आपके समक्ष अपनी सोच विचारधारा रखना चाहता हूं।
अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर कोशिश करिएगा। पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि कोई नेता नहीं है और कोई कार्यकर्ता नहीं है, ये भावना हमें रखनी होगी कि हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि जितनी मेहनत आपकी होगी उतनी नहीं लेकिन उससे ज्यादा मेहनत भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर करने के लिए तैयार है। अब मेरे मुंगावली के कार्यकर्ताओं को जरा मैं अपने कार्यकर्ताओं को देखूं, जरा वीडियो लगा लेंगे मेरे कार्यकर्ताओं के, उमेश जी और ब्रिजेन जी को तो मैं सदैव देखता हूं। कैसे हो आप लोग, ठीक हो? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज रहेगी तो मेरी आवाज रहेगी और विष्णु जी की आवाज रहेगी, ठीक? हाँ अब आई ना आवाज, अब मैं साफ साफ बात करने वाला आदमी हूँ, आपको मालूम है। और अलग अलग लोग जुड़े हैं ना, आपने और हमने सदैव मेहनत की है, हमने मेहनत की है अपने अपने पार्टियों के लिए, हमने मेहनत की है क्षेत्र की जनता के लिए, पर पहले हम लोग इस तरफ होते थे और उस तरफ होते थे, अब आपकी ऊर्जा और हमारी ऊर्जा एक साथ, और बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था कि जब ये उंगलियां अलग होती हैं अगर संयुक्त हो जाती हैं तो फिर ये मुट्ठी बन जाती है। तो अब मेरे मुंगावली के कार्यकर्ता, आपकी और हमारी ऊर्जा मिलकर कांग्रेस को मुट्ठी का सामना करना पड़ेगा। चुनाव की तैयारी और चुनाव का प्रबंधन, बहुत सारी गलतफहमियां और नेताओं के बारे में, कार्यकर्ताओं के बारे में कांग्रेस पिछले 90 दिन से प्रचारित करने की कोशिश कर रही है। आपको जनता के समक्ष जाकर एक सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेना कि आप मान लो कि आप विधायक बन गए, साधारण तौर पर भारत की राजनीति में जब 4 साल निकल जाते हैं विधायक की का, 4.5 साल निकल जाते हैं, तब विधायक सोचता है कि मैं त्याग पत्र दूं। मुझे 70 साल के देश के इतिहास में बता दो आप कि कौन से राज्य में 1 साल के अंदर 20-20 विधायक, 6-6 कैबिनेट मंत्री ने यह कठोर निर्णय लिया है कि सरकार से हम कैबिनेट मंत्री का पद का त्याग देंगे, अपने विधायकी का पद त्याग देंगे और जनता का रास्ता हम लोग पकड़ेंगे। ये कांग्रेसियों का हद, इनका इनकी नौबत क्या गई है ये कहने के लिए कि ये लोग गद्दार हैं? अरे भैया इनको समझा देना पोलिंग बूथ तक जा जाकर कि विकास की लड़ाई, असत्य के विरुद्ध लड़ाई लड़ना, यही भारत का सबसे बड़ा धर्म है। और जो इनको हमने आज आईना दिखाया है, 15 महीने का इनका कार्यकाल, मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे मुंगावली के कार्यकर्ता कि मेरे और शिवराज सिंह जी के अलावा आपके यहां कोई कांग्रेस का संतरी मंत्री, तंत्री, मुख्यमंत्री कभी आया 15 महीने? किसने अपने किसी ने अपना चेहरा दिखाया? किसी ने क्षेत्र का विकास किया? जो ये कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी आज फड़फड़ा रहे हैं, क्यों? इसलिए नहीं कि सेवा का अवसर इनके हाथों से मिल निकल गया, ये फड़फड़ा रहे हैं कि उनकी कुर्सी नीचे से खिसक गई, और कुर्सी इसलिए खिसक गई इसका अफसोस है, इसलिए नहीं क्योंकि जनसेवा के पथ पे नहीं चल पाए,
इसलिए क्योंकि ये बनाना बंद हो गया। जो राजनेता जनसेवा का रास्ता को अपना औद्योग और धंधा देखे, उस राजनेता को सड़क पर लाना मेरा दायित्व और धर्म बनता है। हर चीज पर वादा खिलाफी की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष ने तो कहा था ना, आप लोग भी सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था, विष्णुदत्त जी भी सुन रहे थे, आलोक शर्मा जी भी सुन रहे थे, ब्रिजेश लुनावत जी भी सुन रहे थे, उमेश भी सुन रहा था, ब्रिजेंद्र भी सुन रहा था, आप लोग भी सुन रहे थे बड़ी आशा और विश्वास के साथ। 10 दिन के अंदर कर्जा माफ है, 10 दिन। और अगर 10 दिन के अंदर कर्जा माफ नहीं होगा तो 11वीं दिन को मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाऊंगा। लेकिन ये बताओ, अरे मेरे मुंगावली के कार्यकर्ता हो, बताओ आप सही है कि नहीं। चलिए 10 दिन निकल गए, 10 महीने निकल गए, किसान का ऋण माफ नहीं हुआ, लेकिन फर्जी सर्टिफिकेट किसानों के हाथों में दी गई, सही है कि नहीं। आज शिवराज सिंह जी ने फाइनेंस मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के लोगों के साथ चर्चा की, 1 रुपया माफ नहीं हुआ है अभी तक, हाथ में कागज का टुकड़ा, बैंक में आज तक भी ऋण। और उल्टा कमलनाथ जी ने कोऑपरेटिव बैंकों के लोगों को कह दिया था कि तुम अपना ऋण माफ करवाओ, मतलब कोऑपरेटिव बैंक के बैलेंस शीट को इन्होंने पानी में डुबा दिया, 1 रुपया अपने तरफ से नहीं दिया, तो किसान का ऋण माफ नहीं। बड़े जोर शोर से कहा था कि 51,000 कन्यादान योजना में दिया जाएगा। मेरी बेटी, मेरी बहुएं मुंगावली में किसी को मिला 51,000? नौजवानों के लिए कहा गया था, बेरोजगार भत्ता 4,000 रुपया प्रति माह हर नौजवान को दिया जाएगा। और आपको याद है वो शिविर आयोजित किए गए थे हर ब्लॉक में, हर जिले में, बताओ नौजवान तुम क्या करना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो, क्यों बेरोजगार हो, पूरी फाइल बनाई गई थी। बताओ मुंगावली में किसी नौजवान को बेरोजगार भत्ता मिला 4,000 प्रति माह 15 महीने? तो जो सरकार की सूरत रहेगी कि जनता को झूठा आश्वासन देके वहां से पैसा खींचो और अपने पॉकेट को सींचो, क्या उस सरकार को सड़क पे लाना चाहिए कि नहीं, ये जनता से पूछो आप। तो आज हमारे सामने मुद्दा बनना चाहिए साफ साफ, हमारे सामने बीजेपी की सरकार को केवल बनाए रखने का मुद्दा नहीं है, ये उन कौरवों को जिन्होंने आपका, आपका मतलब जनता का भंडार को लूटा है, उनको सबक सिखाने का चुनाव है। ये जनता के बीच में संदेश आप लोगों को ले जाना है। कांग्रेस की सरकार में मुंगावली की जनता से आप पूछना, मैं भी आऊंगा तो मैं भी पूछूंगा, 15 महीने में क्या मिला? कुछ सड़क मिला? कोई ट्यूबवेल मिली? कोई खनन हुआ सड़क का? कोई रोजगार गारंटी योजना का पैसा मिला? कोई संबल का पैसा मिला? क्या किसानों को बीमा इंश्योरेंस प्रीमियम मिली? किसान के खाते में कोई पैसा गया? अरे क्या मुख्यमंत्री ने एक बार चेहरा वहां दिखाया जब शिवराज सिंह जी और हम एक दूसरे तरफ होते थे, तो कम से कम पक्ष और विपक्ष दोनों मुंगावली में आता था,
जब कांग्रेस की सरकार बनी कौन आया मुंगावली में, मेरे और शिवराज सिंह जी के अलावा कोई कांग्रेस का नेता दिखा? तो आ रहे ना आपके पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव, पूर्व मंत्री दूसरे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप लोग समझते हो, ये सब लोग कहां थे 15 महीने? या क्या पूर्व कृषि मंत्री आए मुंगावली के हमारे किसानों का हाल पूछने के लिए? आप लोगों को याद है जब हम दूसरे एक दूसरे दूसरे तरफ होते थे, जब ओलावृष्टि हुई थी मुंगावली में, मैं आया था मुंगावली में ओलावृष्टि के बाद, क्या मुख्यमंत्री आए मुंगावली में? क्या दिग्विजय सिंह जी आए मुंगावली में? क्या प्रदेश का कोई मंत्री आया मुंगावली में? अरे भाई, तो जो दुख का राही नहीं बन पाए वो क्या सुख का राही बनेगा? ये संदेश ले जाओ एक एक जनता को मेरे योद्धा, ये संदेश हमें जनता के समक्ष ले जाना होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि शिवराज सिंह जी और नरेंद्र सिंह जी और मेरे अलावा क्या ग्वालियर चंबल संभाग में 15 महीने में कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी का कदम रखा है इन्होंने? क्या एक विकास का काम करवाया है? आज विष्णुदत्त शर्मा जी ने उल्लेख किया चंबल एक्सप्रेसवे का, 400 किलोमीटर का सड़क है। नितिन गडकरी जी के साथ कल हम लोगों की वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है। ये सड़क आप और हमसे बहुत दूर है मुंगावली से, लेकिन फिर भी ये सड़क इटावा उत्तर प्रदेश को जोड़ेगा कोटा तक, मतलब भिंड मुरैना का एक एक विधानसभा, श्योपुर और श्योपुर से कोटा तक। तो अनुमान लगाओ, आपके रिश्तेदारियां भी वहां होंगी, कि एक तरफ चंबल एक्सप्रेसवे बनेगी और दूसरा ग्वालियर से मुरैना होते हुए श्योपुर का जो नैरो गेज से ब्रॉड गेज, वो जो खिलौने वाला ट्रेन जैसा छोटा ट्रेन जो माधव महाराज के समय में बना था, वो ब्रॉड गेज में कन्वर्ट परिवर्तित करने की योजना 4000 करोड़ की। तो एक साइड दोनों किनारों की तरह रेल की ब्रॉड गेज चलेगी और 4 लेन का चंबल एक्सप्रेसवे चलेगा, और आप ही अनुमान लगाओ कितना विकास और प्रगति नरेंद्र सिंह जी और हम शिवराज सिंह जी मिलके साथ उस चंबल की बेहद जमीन में हम लोग कर पाएंगे। मुंगावली के एक एक ट्रांसफॉर्मर मैंने लगवाया है, मुंगावली की एक एक सड़क मैंने करवाई है। मुंगावली में केंद्र विद्यालय आप लोगों को याद होगा कितनी कश्मकश चल रही थी कि ये कहीं और लगना चाहिए, मैंने कहा मुंगावली में ही लगना चाहिए। शिवराज सिंह जी ने स्मार्ट सिटी बनाई मुंगावली में, कितनी योजनाएं दिलवाई शिवराज सिंह जी ने। तो अगर मुंगावली का हित, क्योंकि ये चुनाव मुंगावली के जनता के हित पर निर्भर होना चाहिए, और साफ साफ प्रश्न पूछो मुंगावली में कौन चाहिए, पूरा चुनाव इस प्रश्न पर निर्धारित होना चाहिए। आप एक एक पोलिंग पे ले जाना, आपको शिवराज सिंह चौहान और मेरी जोड़ी चाहिए या आपको दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी चाहिए? पूरा चुनाव इस पर ही निर्धारित होना चाहिए, और ये नेताओं के क्षमता के आधार पर नहीं। कौन सच्चा जनसेवक है, कौन आपके दुख के समय में आता है, कौन आपकी सेवा करने के लिए तत्पर है, कौन आपका भविष्य का निर्माण कर पाएगा, ये 4 प्रश्न केवल मतदाता से आप पूछो एक एक पोलिंग बूथ पे जाकर। तो ये चुनाव केवल भाजपा की प्रतिष्ठा की बात नहीं है, शिवराज सिंह जी या मेरी प्रतिष्ठा की बात नहीं है, ये चुनाव आप संदेश भेज देना, मैं कह रहा हूं ये जनता की प्रतिष्ठा का मुद्दा है, जनता के विकास का मुद्दा है, जनता की प्रगति का मुद्दा है। और मैं जानता हूं कि शिवराज सिंह जी और मेरे अलावा मुंगावली के लिए कोई भी जनता के विकास और प्रगति के लिए इतना समर्पित नहीं होगा, कम से कम ये कांग्रेसी तो नहीं होगा। और आखिरी में एक दो बात मैं करना चाहता हूं कि हमारे पास 60 दिन बचे हैं, और 60 दिन में आप लोगों को याद है विष्णुदत्त जी, आपका ध्यान मैं चाहता हूं,
2018 में आपने और हमने, मेरे मुंगावली के कार्यकर्ता, आर पार की लड़ाई लड़ी थी उपचुनाव में। याद है जो 25,000 का मार्जिन था, आप लोग ने सफलतापूर्वक 2,200 तक ला दिया। और जीत हमारी हुई। अब ये अनुमान लगा लो कि आप और हमें मिलकर जो विष्णुदत्त जी ने अभी कहा है, वो 2,200 का मार्जिन हम लोगों को वापस 25,000 तक ले जाना है। अगर 25,000 का मार्जिन हम नहीं बना सकते साथ में मिलकर, तो मतलब हम लोग सफल नहीं हो पाए। और इसके लिए हमें शुरू करनी है, जैसे आप लोग ने की थी उस उपचुनाव में, हम लोगों को शुरू करनी है। और इसमें आलोक शर्मा जी का मैं ध्यान चाहता हूं, हम लोगों को शुरू करनी है बूथ लेवल से। हमको शुरू नहीं करना है ऊपर से नीचे, हमको शुरू करना है नीचे से ऊपर। क्या मतलब? मतलब ये कि आप शुरू करो चौपाल से, गांव के चौपाल पे चर्चा शुरू होती है। मेरे दिमाग में एक शब्द है, वो शब्द है खुशफुस। हर चौपाल पे खुशफुस होती है, तो वो खुशफुस शुरू कर लो हर चौपाल पे। और हर चौपाल पे यही मुद्दा उठना चाहिए जो मैंने आपसे निवेदन किया, चार प्रश्न। और उस चार प्रश्न का उत्तर क्या शिवराज सिंह जी और मैं दे सकता हूं, और या कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दे सकते हैं? यही मूल मुद्दा होना चाहिए चुनाव में। हर चौपाल पे वो चर्चा शुरू करो, हर मजरे टोले पे, आदिवासी टपरे पे, शहर मुंगावली में ये चर्चा शुरू हो जानी चाहिए। दूसरी बात कि आप लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं, क्योंकि आपका ही मॉडल का नकल करने की मैंने कोशिश की थी कि आप लोगों का पन्ना प्रभारी का काम आप लोग शुरू कर लो। मतदाता सूची, एक एक पोलिंग बूथ का जो विभाजन आप लोग बहुत सुंदर तरीके से करते हो, और एक एक आदमी धर्म के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाता है, वो काम हमारा शुरू हो जाना चाहिए। और एक एक व्यक्ति को पन्ने की जिम्मेदारी दो, और आज से वह यही चीज जनता तक ले जाए। क्या ये जोड़ी छोटा भाई बड़ा भाई कांग्रेस के कभी आए मुंगावली, कुछ विकास किया मुंगावली में, कभी चेहरा दिखाया? यही मुद्दा ले जाना चाहिए। जो ब्रजेंद्र सिंह यादव ने कुर्बानी दी है अपनी विधायकी का, उस पर काला धब्बा लगाने की ये कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये मुंगावली में बन जाना चाहिए कि हमने भाजपा का सरकार स्थापित किया है क्योंकि हम आपका विकास चाहते हैं, हम आपकी प्रगति चाहते हैं। और मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी को, शिवराज सिंह जी को, जेपी नड्डा साहब को, अमित शाह जी को, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को, कि उन्होंने मुंगावली के विधायक को मंत्री बनाया। मैं नमन करना चाहता हूं हमारे सारे नेताओं को और धन्यवाद देना चाहता हूं। आज एक मंत्री मुंगावली में स्थापित है, कितने सालों बाद? कम से कम 40 साल हो गए। एक ऐसा मंत्री जो जमीन पकड़ के चलता है, स्वभाव है हर नौजवान उसका मां बाप की तरह, हर नौजवान का सम्मान करता है, बुजुर्गों की तो बात हम लोग छोड़ें, पैर पड़ के चलता है। और मैंने साफ साफ ब्रिजेंद्र को भी कह दिया है कि मंत्री पद मतलब जिम्मेदारी, मतलब हमें दब के चलना है, सेवा भाव के साथ चलना है। और आप लोगों ने मेरी बात भोपाल में भी सुनी कि ये मंत्रिमंडल की स्थापना नहीं हुई है शिवराज सिंह जी की,
ये जनसेवकों की स्थापना हुई है भोपाल में शिवराज सिंह जी की टीम की। तो ये माला नहीं है जो पहनकर आप गली गली में घूमो, जो विष्णुदत्त शर्मा जी ने कहा था कि जश्न नहीं होना चाहिए, ये एक जिम्मेदारी है जो अपने कंधों पर हर व्यक्ति को महसूस करना चाहिए। और उसी भावना के साथ हमको काम करना है चार साल जो हमारे बाकी। तो पहली बार मुंगावली में मंत्री बना है, जोड़ी है शिवराज सिंह जी की और मेरी, और उस तरफ है बड़े भाई और छोटे भाई की। तो जनता अपने हित में क्या चाहती है, बीजेपी का हित छोड़ो, मेरा हित छोड़ो, शिवराज सिंह जी का हित छोड़ो, विष्णुदत्त शर्मा जी का हित छोड़ो, जनता का हित कहां है इस जोड़ी के साथ या उस जोड़ी के साथ? मुद्दा यही है जो जनता के समक्ष में रखना। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, सबसे महत्वपूर्ण है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, और मैं तो कहता हूं, मैंने तो सदैव कहता हूं, जब मैं कांग्रेस में भी था तब भी कहता था, मैं मेरी कठिनाई क्या होती है कि मैं थोड़ा बेबक इंसान हूं, जो दिल में है वो मुंह पे आ जाता है। और बड़े महाराज के बारे में भी कहते थे और मेरे बारे में भी कहते हैं कि इनका राजनीतिक दिमाग नहीं चलता, हमारा नहीं चलता, क्योंकि हम तो साफ साफ इंसान है, जो दिल में है सो कह दो, अच्छा लगे या बुरा लगे, हम वो छल कपट करने वाले लोग नहीं है। जब मैं कहता हूं कि मैं एक एक बीजेपी के कार्यकर्ता को मैंने अपने आप को सौंप दिया है, तो मैंने आपके हाथों में अपने आप को सौंप दिया, और आपकी लड़ाई में लड़ूंगा, जितनी मेहनत आप कर रहे हो इतना आश्वासन मैं आपको देता हूं। आप लोगों ने मुझे देख लिया कांग्रेस में भी, मैं अपने कार्यकर्ताओं की जितना नहीं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपने कार्यकर्ताओं से ज्यादा भी काम करूं, और यही वचन मैं आप लोगों को देता हूं। तो जो वाजपेयी जी ने कहा था कि अब समय आ गया है, हार या पार, ये आर या पार की लड़ाई है मेरे भाइयों और बहनों, इसमें कोई चेहरा ढकने का समय नहीं है। कांग्रेस अगर एक चीज कहती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने का है, चुप नहीं रहने का है। और ये याद रखना कि अगर आज आपके पास बैठा हुआ कार्यकर्ता जिसके हाथ में मोबाइल है दाएं तरफ, समझ गए ना, अगर इसके ऊपर प्रहार हुआ तो जो बाएं तरफ कार्यकर्ता बैठा है, अगर आपने इसके इसकी हौसला अफजाई नहीं की और इसकी पैरीदारी नहीं की, तो कल आपके ऊपर अटैक होगा। हम सब एक हैं, अगर किसी व्यक्ति पर प्रहार होगा तो हम सब एक होकर, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सिखाया था, मुट्ठी बनकर एक दूसरे का की पैरवी हमको करना, हम सब एक हैं ये नारा होना चाहिए। और आर या पार कांग्रेस के साथ। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये चुनाव थोड़ा अलग होने वाला है, 2018 की तरह चुनाव नहीं होने वाला, क्योंकि ये चुनाव बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे लड़ा जाएगा। तो सोशल मीडिया के मेरे लोगों को मैं कहना चाहता हूं, हर कार्यकर्ता को सोशल मीडिया पे एक्टिव होना चाहिए और ठोस जवाब दो। ईंट का जवाब हमें पत्थर से देना पड़ेगा सोशल मीडिया पर। तो एक ही सूत्र में हम सबको बंधना होगा, आज से हमको काम पे लगना होगा। चुनाव आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि वो लोग एक ही चीज चाहते हैं कि कुर्सी वापस हासिल हो, और हम लोग भारतीय जनता पार्टी में एक ही चीज चाहते हैं कि जनता का हित हो। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सिंधिया जी, आपका कुशल मार्गदर्शन भारतीय जनता पार्टी के मुंगावली क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को मिला है। निरंतर चुनाव के
इस रूप में हम सभी कार्यकर्ता भिड़ करके और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगे हैं। अब मैं आग्रह करूंगा मध्य प्रदेश शासन के मंत्री और मुंगावली क्षेत्र के लोकप्रिय नेता आदरणीय ब्रजेंद्र यादव जी को कि उनका चूंकि संबोधन भी हम सुन नहीं पाए थे तो आभार व्यक्त के साथ वो अपनी बात को समाप्त करेंगे, सब कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करेंगे। आज मुंगावली विधानसभा की वर्चुअल रैली में हम सबके बीच में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय खजराव लोकसभा, हमारे राज्यसभा के सांसद, जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जन के लाडले परम सम्मानीय श्रीमंत महाराज साहब, हमारे बीच में जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सम्मानीय उमेश रघुवंशी जी, हमारे मुंगावली विधानसभा के प्रभारी सम्मानीय आलोक शर्मा जी, और आज इस रैली में सभी भारतीय जनता पार्टी के मैं सभी को दिल की गहराइयों से का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं, सबका आभार प्रकट करता हूं कि आज सबने इस मुंगावली विधानसभा की रैली में मिलजुल कर भाग लिया। और मैं दूसरा आभार भी प्रकट करना चाहता हूं कि आज एक छोटे से किसान के बेटे को हमारे परम सम्मानीय सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णु जी, सम्मानीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब, भारतीय जनता पार्टी का मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो मुझको जिम्मेवारी दी है उसमें निष्ठा और ईमानदारी से पूरी लगन से और दिन रात मेहनत करके उसको निभाऊंगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी।